सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अलका। तो बहुत दिन से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत ने जब से सुसाइड की है। तो मुझे नहीं लगता इतना दुख शायद लोगों को किसी के जाने का होगा जितना दुख उनके जाने से हुआ है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करी। कोई ऐसे नहीं कि किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से उनको जाना पड़ा। तो इस चीज़ का फ़र्क सबको पड़ा है, हम लोगों को भी पड़ा है। जैसे मैंने भी बोला था, मुझे भी उनके जाने का बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ उनकी मूवीज़ जो एक दो थी वो बहुत ज़्यादा रिपीट करी थी, बहुत ज़्यादा बार देखी थी। और मैंने जैसे बोला, मैंने तो उनका फर्स्ट सीरियल भी देखा था जब वो लॉन्च हुए थे, और मुझे पसंद भी आया था। तो एक जो मैंने वीडियो देखी है वो सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रही है वो है ये कि कुछ लोगों की वजह से उन्होंने ऐसा किया और उनकी मूवीज़ उनसे छीन ली गई और वो केस हो रहे हैं ये सब। तो अगर किसी को ऐसा लगता है और अगर ऐसा है तो सही है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए अगर कुछ गलत हुआ है। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कम समझ में आ रही है वो ये है, क्या जो इतनी ज़्यादा जो पब्लिक हाइपर हो रही है वो कितने दिन तक रहने वाली है? मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बात बोली जा रही है कि हम सारे स्टार किड्स की मूवीज़ नहीं देखेंगे और उनको बायकॉट करेंगे, ये वो बहुत कुछ आ रहा है, तो इस चीज़ को फॉलो कौन लोग करने वाले हैं? वो लोग जो डेली ये सब बोल रहे हैं या फिर जिनको सुनाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग? अगर आप लोग सच में ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, लास्ट टाइम में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग बोलते तो बहुत कुछ है बट हम लोग करते नहीं है। ठीक है, अभी कोई नई मूवी रिलीज़ होगी आफ्टर लॉकडाउन, प्रॉपर जो लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद तो हम लोग खुद मूवी देखने जाएंगे। हम लोग इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलोगे कि आप भी तो हो उनमें से, बट सबको पता है जो जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मैं मूवीज़ कभी नहीं देखती ना, मैं बिल्कुल भी शौक रखती हूँ। हाँ, टीवी पर कभी कोई ऐसी मूवी है जो मुझे अच्छी लग जाए तो उसको मैं बेशक देखती हूँ, बट इस तरह से हॉल में जा जा के या फिर मुझे कोई ऐसा क्रेज़ नहीं रहता कि न्यू एक्टर आया है तो मैं उसकी मूवी देखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है कि इंडस्ट्री में वो ही लोग आते हैं जो स्टार के बच्चे हैं, वो अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तो बार बार उनकी पिक्चर्स आती ही रहती है और हम लोग देखते हैं, हमें आदत बना दी जाती है कि इन्हीं की आएगी तो आपको इन्हीं की ही देखनी है तो आप इन्हीं की देखो। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि हम लोगों में क्या है, जितनी जल्दी जोश इतना ऊपर जाता है ना उतनी जल्दी ठंडा होकर नीचे आ जाता है। हम लोग इसी तरह से हर बार करते हैं, बहुत सारे ऐसे केस उठे हैं जिसको मैं कह सकती हूँ कि एकदम ताकत तो इतनी दिखाई कि हाँ अभी अभी अभी, बट होता फिर कुछ नहीं है। तो अगर ये चीज़ आप सच में कहते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ पूरी करनी भी चाहिए, जिससे ये जो छोटे छोटे कलाकार के साथ ऐसा होता है ना, छोटे छोटे इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको खुद को छोटा ही समझ रहे हैं जो इस तरह की हरकत हुई है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब जिया खान ने सुसाइड करी थी तो उसके पीछे भी यही बोला जा रहा था कि कुछ इसी तरह की बात है कि उनका करियर ख़त्म हो रहा था। तो और सुशांत सिंह तो इतने अच्छे एक्टर थे और बहुत लवेलेबल थे, मुझे भी पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते थे, उनकी कुछ मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखती थी। तो अब इस समय आप यूट्यूब उठा लीजिए, टिकटॉक उठा लीजिए, कुछ भी आप खोलिए, आपको सिर्फ सुशांत सिंह की ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। कुछ लोग तो व्यूज़ पाने के लिए इस तरह से करते हैं, टिकटॉक पे सुशांत सिंह ही भरे हुए हैं। वैसे किसी ने उनकी इतनी वीडियो नहीं डाली होगी, पर उनके जाने के बाद तो इतनी वीडियो डाल डाल के उनको वायरल कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनके फैमिली वालों को भी बुरी लगती होगी, बट मैं तो इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोगों ने इस तरह से डिसाइड किया है कि कुछ करना है तो प्लीज़ उसको आगे तक लेके जाइएगा। सबको पता है, जैसे कुछ दिन पहले मैं कंगना का एक बहुत पुराना इंटरव्यू देख रही थी जो वो रजत सर के उसमें शो में आई थी, तो उन्होंने बोला था कि चार पांच खानदानी है जो इंडस्ट्री चलाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। हम सबको खुद पता है कि कुछ ऐसे खानदानी हैं जिनके बच्चे इंडस्ट्री में आते हैं और वो ही आगे बढ़ते हैं। जो नया आता है अगर उसकी फर्स्ट मूवी हिट हो जाए तो अलग बात है, वरना उसको कोई पूछता भी नहीं है। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत से तो ऐसे स्टार किड्स भी हैं जिनका करियर कुछ भी नहीं है इसमें, बट वो ये आप डांस सीखो, अच्छी अच्छी बॉडी बनाओ तो हम लोग उसी के लिए पागल हो जाते हैं। और सुशांत सिंह ने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करके वो यहाँ पहुँचे थे। हम लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टेप उठाया है तो उन्हें खुद इस चीज़ का कितना दुख होगा। क्या उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी बहनों के अकेले भाई हैं? क्या उनको नहीं पता था उनके पापा के लिए वो अकेले बेटे हैं? उनको भी बहुत कुछ पता था, बट अगर ऐसा कोई स्टेप उठाया है तो हम लोग खुद समझ सकते हैं कि किसी के ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा, कितना ज़्यादा प्रेशर। क्योंकि अपनी जान सबको बहुत प्यारी होती है, जान ख़त्म करने का मतलब कि अपनी लाइफ में हमें आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब हम कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं, वरना सुसाइड करना एक बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे नहीं की जाती सुसाइड।
बहुत दम चाहिए सुसाइड करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी को मारने को बोला जाए तो 1% गुस्से की जब हद लेवल हो जाएगी तो इतना तो कर देंगे, उसको धक्का दे देंगे, इतना तक हम कर सकते हैं। बट जब बात आती है ना खुद को हर्ट करने की, तो कोई नहीं कर पाता। अपने आप को इस तरह से फंदे पे लटकाना ईजी नहीं है। आप खुद सोचिए, उसके सामने चीज़ें चल रही होंगी कि हाँ मैं नहीं रहूंगा, क्या होगा फिर, बट उसके बाद भी इस तरह का कदम उठाया जाना एक ऐसे एक्टर का। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर ऐसी कुछ वीडियोस बन रही है तो प्लीज़ उनको फॉलो भी कीजिएगा, तभी उनके जाने का फायदा होगा। अगर उन्होंने ये सोचा है ना कि मेरे जाने से कुछ चेंज आए, तो फिर वो चेंज हम लोगों को ही लाना है। इसका कोई फायदा नहीं है कि अगर वो सोच कर गए थे और हम लोग 2 दिन बहुत उछल रहे हैं और 3रे दिन हम लोग शांत हो जाएंगे। ये सबको पता है कि अभी उनको गए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ, तो इसलिए ये बातें इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। शायद कुछ टाइम बाद इतनी बातें बड़ी ना हो। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगी, जैसे हो वैसे बने रहो। सुशांत सिंह को जो इंसाफ एक तरह से वो हम लोग ही दिला सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों के फेवरेट थे। और जिन जिन का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, जैसे सलमान खान और करण जौहर, आलिया भट्ट और एकता कपूर, तो एग्जैक्ट तो देखो कोई किसी को नहीं कह सकता कि किसकी वजह से क्या हुआ है। ठीक है, इंसान जब जाता है तो अपने साथ सारी चीज़ें लेके चला जाता है, तो सुशांत सिंह भी अपने साथ सारी चीज़ें लेकर चले गए। तो हम तो बस यही कहेंगे, उनको दिल से ट्रिब्यूट कीजिए कि जहाँ भी उनकी आत्मा है शांति से रहे। पर वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि इतना ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो। सही के साथ रहो, बट एग्रेसिव होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आई विश आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल तो लगी हो, तो आप लोग अपने ही डिसीजन पर रहने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।